गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लालबाग गर्ल्स कॉलेज से मैम प्रिया मैसी, होम साइंस टीचर। आज का क्लास क्लास सिक्स के बच्चों के लिए है। बच्चों, लास्ट क्लास में पार्ट वन में हमने पढ़ा था स्वच्छता के विषय में, स्वच्छता क्यों आवश्यक है और उससे होने वाले लाभों के विषय में। आज पार्ट टू में हम पढ़ेंगे दैनिक, साप्ताहिक व अन्य जितनी भी स्वच्छता आती हैं उसके विषय में मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं दैनिक स्वच्छता के विषय में। दैनिक स्वच्छता का अर्थ प्रतिदिन की सफाई से है, जैसे घर के सभी कमरों व आंगन में झाड़ू पोछा लगाना, कच्चे घरों में लिपाई करना, शौचालयों व आंगन की सफाई, रसोई कक्ष के बर्तनों की सफाई, सजावट की वस्तुओं को पोछना, घर की नालियों को साफ करना तथा कपड़ों की सफाई करना आदि। नेक्स्ट है साप्ताहिक स्वच्छता। घर की साप्ताहिक स्वच्छता में हम उन कार्यों को लेते हैं जिन्हें हम दैनिक स्वच्छता के अंतर्गत पूरा नहीं कर सकते, जैसे कमरे में लगे जाले साफ करना, खिड़की दरवाजे झाड़ कर पोछना, बिस्तर की चादर व गिलाफ बदलना व साफ करना। थर्ड है मासिक स्वच्छता। मासिक सफाई या स्वच्छता में उन सभी स्थानों व वस्तुओं की सफाई करते हैं जिनकी सफाई प्रतिदिन व सप्ताह में नहीं हो पाती। ऐसी सफाई महीने में एक बार करना आवश्यक होता है, जैसे कमरे के फर्नीचर, अलमारी तथा अन्य वस्तुओं को हटाकर सफाई करना, घर के कपड़ों, मसालों तथा अनाज को धूप दिखाना आदि मासिक स्वच्छता के अंतर्गत आता है। फोर्थ है वार्षिक स्वच्छता। घर की मरम्मत व पुताई, फर्नीचर, पलंग तथा चारपाई की मरम्मत, घर के बेकार व फालतू सामान को निकालना, जैसे टूटे फूटे सामान की मरम्मत करवाना आदि वार्षिक स्वच्छता के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, अब हम जानते हैं घर में उपयोग करने वाले साधनों के विषय में कि ये कौन से साधन हैं। घर की सफाई के साधन व उनका उपयोग। फर्स्ट है सख्त झाड़ू या ब्रश। इसका उपयोग घर की धुलाई के लिए किया जाता है। सेकेंड, नर्म झाड़ू व ब्रश। इसका प्रयोग कमरों, दीवारों, पत्थर तथा ईंट से बने फर्श को साफ करने के लिए उपयोग में किया जाता है। थर्ड है नर्म ब्रश। इसका उपयोग फर्नीचर की सफाई, फर्नीचर में पॉलिश करने तथा बोतल आदि को साफ करने में इसका प्रयोग करते हैं। फोर्थ, कपड़ा व झाड़न। इसकी सहायता से फर्नीचर तथा वस्तुओं को साफ किया जाता है। फिफ्थ, अन्य सामग्री, कूड़ादान, बाल्टी, मग, टब, बर्तन साफ करने के लिए राख व साबुन, सोडा, फिनाइल तथा आधुनिक उपकरण में वाइपर आदि आते हैं। तो बच्चों, अब जानते हैं घर के विभिन्न कक्षों की साफ सफाई के विषय में, जो कि इस प्रकार है। घर में बैठक कक्ष, अध्ययन कक्ष, शयन कक्ष, स्नानागार, रसोई घर, आंगन होते हैं। हमें प्रातःकाल उठकर इनके अंदर रखी वस्तुओं को मुलायम कपड़े से पोंछ कर व्यवस्थित करना चाहिए। बिस्तर को झाड़ कर तह बनाकर उचित स्थान पर रखें। खाने व बनाने के बर्तनों को साफ करके रखना चाहिए। पूरे घर में प्रतिदिन झाड़ू व पोछा लगाना चाहिए, जिससे पूरा घर साफ सुथरा तथा व्यवस्थित रहे। आगे जानते हैं बच्चों इसी तरह सार्वजनिक स्थानों की सफाई के विषय में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
सार्वजनिक स्थान का तात्पर्य ऐसे स्थानों से है जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति बिना रोक टोक में आ जा सके, जैसे विद्यालय, धर्मशाला, नदी, तालाब, कुआं आदि। हमें इनकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग अपने घर की सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं, किंतु सार्वजनिक स्थानों की सफाई की उपेक्षा करते हैं, जैसे केला खाकर केले का छिलका सड़क पर फेंक देना, रास्तों में थूकना व दीवारें गंदी करना। अपने घर की गंदगी व कूड़ा करकट कूड़ेदान में ना डाल के बाहर फेंकना, जिससे संक्रामक रोग फैलता है। हमें अपने आसपास के तथा सार्वजनिक स्थानों में कीटाणुनाशक दवा डालनी चाहिए, जिससे कीटाणु ना पनप पाए। तो बच्चों, आज चैप्टर 2 यहीं कंप्लीट होता है। आपको कोई भी ऐसा पॉइंट हो या कोई भी ऐसी बात हो जो ना समझ में आई हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास आपका होगा असाइनमेंट क्लास। थैंक यू क्लास।